अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगी गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश का, जिसके मेरे पास तो रिव्यूज़ अच्छे आए हुए हैं। मैंने सोचा आज खुद भी इसका डेमो कर लेते हैं, रिव्यू दे देती हूं, ताकि रिजल्ट्स का बिल्कुल आइडिया हो जाएगा किस तरह के इसके रिजल्ट्स हैं। इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स होती हैं, तो चारों। सबसे पहले अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो इस तरह से बॉक्स पैक में होता है, इस तरह का इसका पूरा ये बॉक्स होता है। पीछे सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, हाउ टू यूज़, बाकी इसकी जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स होंगी। और यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, अंदर 4 बॉटल्स होंगी। प्राइस आपको इसके मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 650, मतलब 650 में आपको पूरा ये पैक मिलेगा। 4 प्रोडक्ट्स इसमें आपको मिल रही हैं सिर्फ 650 रुपये में। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसमें 4 बॉटल्स होंगी। सबसे पहले इसमें आ जाएगा डेवलपर, ठीक है, देन ब्लीचिंग पाउडर, स्किन शाइनर एंड सूथिंग लोशन। टोटल 4 प्रोडक्ट्स हैं इसमें। और साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़, ये पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, हलाल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे एक्सपायरी डिटेल्स सारा कुछ मेंशन है, और बॉटल्स पे भी मेंशन होगा। ये देख लीजिए, हर प्रोडक्ट के ऊपर फुल डिटेल्स, साइड पे इसकी एक्सपायरी और बैक पे फुल डिटेल्स मेंशन है। क्वांटिटी है 60 ml, 60 ml में आपको डेवलपर मिल रहा है। 30 ग्राम की क्वांटिटी में आ जाएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर। इसके स्किन शाइनर की क्वांटिटी 60 ग्राम है, यहाँ पे भी सारी डिटेल्स मेंशन है। इसमें आ जाएगा गोल्डन पर्ल का सूथिंग लोशन, इसमें भी फुल डिटेल्स मेंशन है। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं, हर बॉटल के ऊपर आपको एक्सपायरी डिटेल्स सब मेंशन होगी। और अगेन देख लें, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं, ये टोटल एक पैक में, मतलब वन पैक में आपको टोटल ये 4 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। सिंगल में आपको ये 2 भी मिल जाती हैं, अलग से ये 2 भी आपको मिल जाएंगी, और ये पूरा पैक भी मिल जाएगा। मतलब कि सिंगल में अगर किसी को जस्ट ये 2 प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी तो ये भी सिंगल में मिल जाती हैं, और ये 4 का पैक भी मिल जाता है। तो अब हम इसको यूज़ करके देखेंगे। पहले इन 2 को यूज़ करेंगे, और मतलब एक जगह पैच टेस्ट करेंगे हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स का, और दूसरी जगह हम पैच टेस्ट करेंगे 4 प्रोडक्ट्स का। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, और रिजल्ट्स का भी पता चल जाएगा। रिजल्ट्स तो इसके अच्छे हैं, बट फिर भी दोनों को डिफरेंट तरीके से यूज़ करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले ना मेरे हाथों का हाल देखो, ये ना करने के लिए मैंने बहुत दिन से अपने हाथों का ये हाल किया, वरना मैं इस तरह छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डेमो अपने हाथों पे ही देना है, फेस पे देना नहीं है। तो इस वजह से मैंने अपने हाथों का ये हाल रखा है। अब इसी पर मैं आपको डेमो देकर दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया है इसका पाउडर, और क्वांटिटी मैं बहुत कम लूँगी। मैंने सबसे पहले इसका पाउडर ले लिया है, क्वांटिटी मैं बहुत कम लूँगी, वो इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ एक पैच टेस्ट करना है, मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं लगाना है। तो एक सेकेंड, ये मैंने इतना ले लिया, ये भी बहुत आ गया, लेकिन ठीक है, ये समझो हाफ स्पून ये आ गया, हाफ स्पून मैंने ये ब्लीचिंग पाउडर ले लिया। इसी तरह से मैं ये ले लूँगी डेवलपर, इसका भी मैं एक स्पून लूँगी, हाफ अभी दिखाती हूँ उसकी क्वांटिटी ना, जितना मैंने पाउडर लिया था ना। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, गिर गया नीचे, ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, नीचे गिर गया। 1 स्पून मैंने ये ले लिया इस तरह से, देख लो 1 स्पून आ गया ये। अब आपको क्वांटिटी का आइडिया हो गया होगा कि ये देखो 1 स्पून और हाफ स्पून, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। यार फिलहाल ना मेरे पास यही ब्रश था, इसको मिक्स कर लेते हैं। एक 1 स्पून अगर इसकी ये लोशन क्रीम ले रहे हैं तो आप हाफ स्पून इसका पाउडर लेंगे, अगर आप 2 स्पून क्रीम ले रहे हैं तो 1 स्पून आप इसका पाउडर लेंगे। और ये आपकी जो है ना इरिटेशन पर डिपेंड करता है, आपको लगाने के बाद अगर इरिटेशन हो रही है तो नेक्स्ट टाइम आप कम पाउडर लो, या अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आपके फेशियल हेयर्स गोल्डन नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लो। तो ये आपके स्किन के ऊपर मैटर करता है कि वो कितना बर्दाश्त कर लेती है इरिटेशन। सही है, ये मिक्स मिक्स अच्छे से मिक्स करना है इसको, ठीक है जी। ये बन गया, आधे से ज़्यादा तो ब्रश पे लग गया। अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इतने गंदे गंदे हाथों पे अप्लाई करेंगे इसको, ऐसे करते हैं। सिर्फ ना इस तरीके से मैं इसको अच्छे से अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, मतलब अच्छे से ना भर भर के आपने अप्लाई करना है, सही है। ये हो गई इस तरीके से, अभी इसके मैं रिजल्ट भी दिखाऊँगी कि क्या आते हैं। एक तो ये काम हो गया जिसमें मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें मिक्स करी थी, ब्लीच, समझो मैंने ब्लीच लगाया है, सही है। अब इसमें मैं ये चीज़ें मिक्स करके लगाऊंगी और देखते हैं क्या सीन होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। 4:55 हो रहे हैं, 10 मिनट्स बाद इसको मैं साफ़ कर लूँगी। जब तक यहाँ पे सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लेते हैं, वही जितना मैंने लिया था इस तरह से, जो वही गिरना नहीं, वही 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 वही, हाँ बस इतना ही। ये 1 स्पून लिया था, अगेन मैं 1 स्पून ले लूँगी, ठीक है। पाउडर 1/2 स्पून, ये इस तरह से मैंने 1/2 स्पून इसका ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, इसमें ऐड कर देंगे। अब ये 3rd स्टेप आ जाएगा गोल्डन पर्ल का स्किन पॉलिश, ये मैं ले लूँगी। मतलब कि अगर मैं 1 स्पून क्रीम ले रही हूँ और 1/2 स्पून पाउडर ले रही हूँ तो उस हाफ का भी हाफ लेंगे, मतलब कि 1, 2, 3, 4 मैंने ये दिया है, दिख रहा है इस तरह से मैंने ये 4 ड्रॉप्स दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये आ गया 4 ड्रॉप्स। इसके बाद ये सूथिंग, अब मैं ले लूँगी सूथिंग लोशन, ये बस सूथिंग लोशन ले लेंगे। ये देखो सूथिंग लोशन आ जाएगा
1, 2, 3, 4, ये भी मैंने समझो 4 लिए, तनह का बन गया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे एक तरफ करके, थोड़ा सा ये लिक्विड ही बनेगा, सही है, जैसे पहले बना था ना उस तरह का नहीं बनेगा, थोड़ा सा लिक्विड ही बनेगा। और मैं, मुझे पता है दोनों के रिजल्ट्स भी मुझे पता है और सारी डिटेल्स भी, लेकिन सब कुछ मैं आपको एंड में बताऊंगी, पहले आप रिजल्ट्स खुद देख लो फिर मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगी क्या है। ये हो गया मिक्स, अब हम इसको लगा लेंगे, इसी के साथ ही लगा लेती हूँ यहाँ पर। डरो नहीं तुम लोग, मेरा हाथ देख कर ये देखो बेटा, तुम्हें लोगों के नहीं किया मैंने। अच्छा मैं चाह रही हूँ सेंटर से ना थोड़ी जगह खाली रहे ताकि रिजल्ट्स पता चलें, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लो, फिर ऐसे ऐसे कर लो। मैं इसको अच्छे से लगा के दिखाती हूँ। 5-1 हो रहे हैं जिस टाइम पे मैंने ये अप्लाई किया है, सही है। अच्छा जी, यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया, ये हो गया। पहले जो मैंने लगाया था वो है, ये अभी लगाया है। इसमें चारों प्रोडक्ट्स मिलाई हैं, इसमें सिर्फ दो मिलाई थी, ये मिलाई थी इसमें जो ये लगाया है, और यहाँ पे ये चारों प्रोडक्ट्स मिला के मैंने यहाँ लगा लिया। वेट करते हैं फिर मैं वॉश के बाद इसको दिखाती हूँ। यहाँ टाइम आप देखो 5:08 हो चुके हैं, मतलब कि 10-12 मिनट्स हो गए हैं। मैं ऊपर जो लगाया था ना इसको हटाती हूँ, देखती हूँ क्या रिजल्ट्स हैं। बिस्मिल्लाह यार, ये तो कमाल हो गया। इसी से हटा देते हैं इसको ना यार, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको मैं, रुको साफ करूँ किसी चीज़ से, कोई कपड़ा शपड़ा मिल जाए। मैंने एक्चुअली वीडियो स्टॉप नहीं करना चाह रही, रुको ये रहा, ये मिल गया मुझे कपड़ा, मैं इससे साफ करके दिखाती हूँ। यार रिजल्ट्स देखो, हल्का सा वो रेड हो गया है क्योंकि देखो मैंने 10 मिनट्स का और सिर्फ ब्लीच लगाया है ना, तो हल्की सी इरिटेशन तो मुझे नहीं हुई, लेकिन ये रेड रेड हुआ है। देखो रिजल्ट्स चेक करो यार आप लोग, तो मतलब फेस पे ये कितना अच्छा रिजल्ट देगा। मैं तो बहुत इसके रिजल्ट्स देख के हैरान हो गई। ब्लीच के बाद हल्की फुल्की सी तो रेडनेस आती है, तो मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही लेकिन लगाने के बाद। अब ये मैं थोड़ी देर बाद हटा के दिखाती हूँ। अब मैं दूसरे वाले को इसको साफ करूँगी, ये जो मैंने लगाया था, ठीक है। ये साफ़ कर लेते हैं और इसके रिजल्ट्स देखते हैं क्या आते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको भी कपड़े से साफ करके दिखाती हूँ। अच्छा तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लगाया था 2 क्रीम्स में यहाँ पे, तो ये इसके रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब बेशक मैंने 2 प्रोडक्ट्स लगाई हूँ या 4 लगाई हूँ, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही आए। बस ये है कि अगर यहाँ पे मुझे 10% रिजल्ट मिला है तो यहाँ पे मुझे 8% मिला है। और 8% इसीलिए मिला है क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वाले, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, आप ये देखो यहाँ पे मुझे हल्की सी रेडनेस हुई है, माइनर सी, इस रेडनेस से भी मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई बट हल्की सी रेडनेस हुई है। तो जिनकी मजीद सेंसिटिव स्किन है वो सूथिंग लोशन और स्किन पॉलिशर जो भी है शाइनर वो ऐड करके लगाएंगे, तो यह कि उनको वो हल्की सी रेडनेस भी नहीं होगी, ठीक है। रिजल्ट्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही है। नेक्स्ट वीडियो मेरी स्किन शाइनर एंड सूथिंग लोशन पे होगी, क्योंकि ये 2 चीज़ें सिर्फ स्किन पॉलिशिंग में ही नहीं बल्कि और भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसके रिव्यूज़ दूंगी मैं 2 प्रोडक्ट्स के। तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन सी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।